पोस्टल 360 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे GDS ट्रांसफर के बारे में, जो दिसंबर 2023 साइकिल के लिए उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो हम लोग उसी के बारे में आज यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसफर अप्लाई करने से पहले सबसे पहले अपना जो है आपको अपने एम्प्लॉय आईडी में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने जो SDI है यानी आपके जो इंस्पेक्टर है वहाँ पे एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट करने के लिए। तो उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी अपडेशन बाय डिवीजन यूनिट, जो इंस्पेक्टर के पास टाइम है वो 1 से 7 दिसंबर के बीच में अपनी जो वैकेंसी है उसको अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन जो है ट्रांसफ़र अप्लाई कर सकते हैं आप 11 से 18 दिसंबर के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वन टाइम मॉडिफिकेशन आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने जो है एप्लीकेशन को, तो सिर्फ आप ऑप्शन या प्रीफ्रेंस ही मॉडिफाई कर सकते हैं 19 से 20 दिसंबर के बीच में। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन बाय द डिविजन्स, तो इंस्पेक्टर जो है वो वेरीफाई करने का टाइम है, जो आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है उसको वेरीफाई करने का टाइम है इंस्पेक्टर के पास 21 से 26 दिसंबर के बीच में। उसके बाद जो है फर्स्ट लिस्ट आएगी आपको 29 दिसंबर को, उसके बाद जो है आपको रिलीव कर दिया जाएगा 15 जनवरी तक आपको रिलीव कर दिया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड लिस्ट आएगी वो 17 जनवरी तक आएगी सेकंड लिस्ट, यानी 2 दिन बाद। उसके बाद जो है रिलीव किया जाएगा GDS को न्यू पोस्ट के लिए 31 जनवरी तक। तो 31 जनवरी तक आपको जो सेकंड लिस्ट में अगर नाम आएगा तो 31 जनवरी तक आपको रिलीव कर दिया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2023 से म्यूचुअल ट्रांसफ़र को भी यहाँ पे Rule 3 में ऐड किया गया है। सपोज़ आप UP में जॉब करते हैं और आपका दोस्त बिहार में जॉब करता है, अगर बिहार वाले UP आना चाहता है, UP वाले बिहार जाना चाहता है, तो उस केस में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जो है टोटल आप अगर मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट के लिए आप 2 ही बार अप्लाई कर सकते हैं Rule 3, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट जो है वो टोटल जो है 3 बार अप्लाई कर सकती हैं। उसके बाद बात करेंगे कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपको Rule 3.cept.gov.in पे जाना है। तो वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा कि आप एम्प्लॉय आईडी वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। तो आपको पासवर्ड जो है वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आप रिसेट पासवर्ड में वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो रिसेट पासवर्ड में क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद यहाँ पे जो है आप एंटर पासवर्ड करेंगे, फिर री एंटर पासवर्ड करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पे आपका OTP आ जाएगा। तो OTP आपका आ जाएगा, तो OTP आप यहाँ पे एंटर करेंगे। तो OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे सबमिट OTP करने के बाद यहाँ पे जो है उसके बाद आपका जो है पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यूटिलिटीज़ में जाएंगे। यूटिलिटीज़ में जाने के बाद यहाँ पे जो है Rule 3 एप्लीकेशन में यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं GDS कैन अप्लाई फॉर 10 ऑप्शन, तो 10 ऑप्शन ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करिए। तो चलिए आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। Thanks for watching.